राम राम भाई सबको, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ जाओ भाई, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, यार मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं जल्दी वीडियो डालूंगा, रेगुलर हो जाऊंगा, और फिर मेरे को और काम आ जाते हैं। ठीक है यार, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ तुम्हें, ठीक है मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालूं। 230K मेंबर्स हो चुके हैं हमारे रेडिट पे, इतने फॉलोअर मेरे इंस्टाग्राम के नहीं है, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई वापस से, मेमेज देखेंगे मेमेज। व्हेन यू स्टार्ट स्पैमिंग रैंडम बटन्स इन अ वीडियो गेम बिकॉज यू डोंट नो द कंट्रोल्स। भाई सो ट्रू, मैं बता रहा हूँ, ये येलो वाले को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने थे। पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो सोचेंगे भाई ये इंसान कौन है जो ऐसे बंदर की तरह कूदता है फाइट में, फॉलो करेंगे ये, इसको फॉलोअर बढ़ाने, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, ये जो मूव था इसका पॉइंट क्या था, कार्टव्हील का पॉइंट क्या था? बट ठीक है, इन दोनों में से जीता कौन था? जीता कौन भाई? 29-28, 29-27, and 29-27 for the winner by unanimous decision. Yeah. Of course. भाई यही होना था, वो बहुत शो ऑफ कर रहा था। It also should be controversial for parents to know what their children are being taught in school about relationships. Patients should know when hospitals are talking about men or women. Shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense. Hi, my man Rishi man. Good say. बेटा जो सऊदी में अरबियों के शौचालय साफ करता है वो वापस आकर अपनी बेगम को ढूंढता हुआ। अब्बू जो बेटा बेटे के जाने के बाद ऐसे ही उसके अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। एक सेकंड। ब्रो 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 नो नो ए क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। अब तो फिंग भाई ने भी औकात दिखा दी। वीडियो ओनली, लेट मी एक्सप्लेन, ओके प्लीज। तो मैंने मेन चैनल पे मेंबरशिप्स ऑन करी थी, क्योंकि काफी सारी वीडियोस ऐसी होती है जो मैं मेन चैनल पे डाल नहीं पाता हूँ फॉर मेनी रीजन। मैं सोचा था उन वीडियोस को मेंबर्स ओनली कर दूंगा और फिर मेंबर्स देख सकते हैं। मैंने मेंबरशिप ऑन करी, लोगों ने ली भी। उसके बाद मैंने पहली वीडियो जैसे ही मेंबर्स के लिए अनाउंस करी ना, मेंबर्स एक्सक्लूसिव, मेरे अंदर ना कुछ हुआ, ठीक है ना, कि यार ये थोड़ा ना सही नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे को ऐसा फील हुआ कि मान रहा हूँ कि भाई मेरे को मतलब बिजनेस भी चलाना है एंड लाइक ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी मेरी, विच विल रियली हेल्प मी, और फिर मैं बेटर वीडियोज भी बना पाऊंगा। लेकिन मेरे को उसी टाइम समझ आ गया था कि यार ये सही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट तो मेरे को सभी ने करा है। तो फिर उसके बाद मैंने मेंबरशिप हटा दी थी, और फिर मैंने प्रॉपर एक अपॉलॉजी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने हटा दी थी यार, और मैंने सॉरी भी बोल दिया था। तो थोड़ा तो तरस खाओ यार मेरे पे भी। Do you smoke? No. Do you drink? Nah. Do you have a girlfriend? I don't have. Then how do you enjoy your life? हम लॉन्डो की जिंदगी ऐसी होती है यार, हम एंजॉयमेंट के लिए नहीं बने हैं, हम चीजें ठीक करने के लिए बने हैं, ठीक है, हम लोगों की जिंदगियां बेटर करने के लिए बने हैं। हमारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट्स द ट्रुथ। पीओवी, यू टोल्ड एंड्रू टेट फैन दैट ही कांट गेट रिच बाय फॉलोइंग हिज एडवाइस। अब तुमने एंड्रू टेट मेंशन कराई है ना, तो मेरे दिमाग में ना काफी दिन से एक चीज चल रही है कि यार एक बार, जस्ट मेरे को क्यूरियोसिटी है काफी, कि एक बार ना जो एंड्रू टेट का पूरा बिजनेस है, जो कोर्स है द रियल वर्ल्ड वाला, वो एक बार मैं लेके देखूं। आई एम वेरी क्यूरियस कि उसमें ऐसा क्या है, मेरे को जेन्युइनली देखना है उसमें क्या है। अगर मैं करूंगा ना ज्वाइन, तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इफ इट वर्क्स और नॉट, अगर मैंने करा तो। आईआईटी बॉम्बे इनवाइटिंग अनुष्का सेन, चैट आईआईटी दिल्ली इनवाइटिंग चैट जीपीटी फाउंडर। लेकिन मजा कहां ज्यादा आया होगा ये तुम्हें भी पता है, चैट जीपीटी का फाउंडर आया, ओके यार मतलब ठीक है, आए हो ठीक है, ओके चैट जीपीटी ये कर सकते हो, ओ वाओ, लेकिन भाई कोई सामने कुछ करे भी तो सही, एंटरटेनिंग, मजा भी तो आए, वो भी जरूरी है ना। आप कोई भाई इतना मेहनत करके पढ़ वढ़ के आईआईटी है,
ठीक है, उसने इतने साल अपनी घिसवाई है और फिर जाके आईआईटी भी गया है भाई, उसकी मौज तो उसको वर्थ इट तो लगे मेहनत करना, वहां पे जाके भी चैट जीपीटी वाला आ रहा है भाई, व्हाट द फक। एंजॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मेरे को आईआईटी दिल्ली वालों ने बुलाया था। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आईआईटी दिल्ली गया था, मेरे को इनवाइट आया हुआ था भाई, वहाँ पे पूरा एक प्रॉपर इवेंट था। तो जैसे फिंग एक्स्ट्रा वाला होता है ना सारा, कि मैं बैठता हूँ, मीम्स देखता हूँ, तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, ये लाइव हुआ है आईआईटी दिल्ली में। हमने बड़ी सी स्क्रीन पे मीम्स देखे, मैं हंसा हूँ भाई, मैंने वीडियोस वगैरह भी डाली थी इंस्टाग्राम पे। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अगर उन्होंने अगले साल ये सेम इवेंट करा और मेरे को बुलाया तो भाई मजा आ जाएंगे। क्या ले ले भाई, नो कमेंट्स भाई, नो कमेंट्स। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपना आईफोन दे सकते हो? और बदले में मुझे क्या मिलेगा? चूत। फेयर ट्रेड। मैं बहुत गंदा इंसान हूँ भाई, बहुत गंदा। एक बहुत तगड़ा आइडिया मेरे पास, आई ट्रैकर होता है ना, शुड आई गेट दैट आई ट्रैकर? उससे ना दिखता रहता है कि मेरी स्क्रीन पे नजर कहाँ है, शुड आई? क्या मैं तुम्हें अभी ऐसा आइडिया दे रहा हूँ जिससे मैं कैंसिल हो सकता हूँ? आई ट्रैकर देखते हैं यार, कभी मिला तो मैं लेके आऊंगा, अगर मेरे पास पैसे इतने हुए तो। अरे हम लोग ये झक मार रहे हैं। अरे भाई, अरे भाई, घूमने आए यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते हैं इंसान को। क्या मेरे को कभी भी इस चीज के लिए माफी मिलेगी? कभी भी? आई डोंट नो, कभी मेरे को माफी मिलेगी या नहीं इस चीज के लिए। When my mom brings her friend to our house. My mom's friend has a daughter, same age as. क्या पढ़ा भी नहीं जा रहा मुझसे, क्या चूतिया हो गया हूँ मैं? एक और ट्राई। When my mom brings her friend to our house. Okay. My mom's friend has a daughter the same age as me. It's very weird. Allah, I get your thought. Mom ki friends ke saath na tumhara ek bro code sa hota hai. I don't know. Main kaise bolu? But tum samajh pa rahe hoge yaar. You cannot यार, मतलब कर सकते हो, पता नहीं यार, मतलब it's so weird. देखो मैं explain भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं. तुम क्या करते तुम्हारे साथ ये होता? तुम मेरे को ये जानना है, मेरे को कमेंट में बताओ तुम क्या करते। जितने लौंडे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो ना आंसर करें कि भाई हम तो दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोस्त नहीं होते कभी, लेकिन मैं लौंडों से पूछ रहा हूँ कि तुम क्या करते। कंसिस्टेंट पीकेएल, रुको गाइस, तुमने कुछ मेरे बालों में डिफरेंस नोटिस करा? मेंशन मतलब ऐड नहीं डाल रहा हूं। काफी सारे लोग लगा अब ये साला स्पॉन्सर डाल देगा। नहीं यार, मैं जनरली पूछ रहा हूँ मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। देखो पता है यार, ऐसे बालों के बारे में, स्किन के बारे में बात करूंगा तो तुम्हें लगा स्पॉन्सर आ रही है, मैं नहीं डाल रहा स्पॉन्सर। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ब्रो, I'm too good, man. भाई मजा आ गया था। आई थिंक लास्ट वीडियो थी शायद, लास्ट वीडियो के अंदर सबसे फनी पार्ट यही रहा होगा। थैंक गॉड आई वॉजंट इन द फर्स्ट बिल्डिंग। ओ नो कॉमेंट्स। मैटर खत्म। भाई उसके बहन के लंड में डी कितना जोर से था, इधर सुनो। नाइस। क्या बना रहा है? केक बना रहा है। भाई लग तो बढ़िया रहा है। ओ आई फील हिम। तुम्हें लगेगा मैं अभी मजाक कर रहा हूँ, बट मेरा लास्ट बर्थडे ऐसा ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मेरे से मिलना नहीं चाह रहे थे ये वो, बट मैंने खुद बोला था कि
मेरे बर्थडे पे कोई नहीं मिलेगा मुझसे. मैं इसी स्टूडियो में था, ऋषि को भी घर भेज दिया था मैं, भाई कोई नहीं मिलेगा मुझसे, लोगों के फ़ोन आ रहे, सब कुछ आ रहा है. मैं भाई ठीक है कल मिल लेना, 30 अप्रैल के दिन कोई नहीं मिलेगा मुझसे. मैं किसी से नहीं मिला था और मैं एकदम अकेला था, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों को तुम में से पता होगा कि पिछले 5 साल से मेरे साल का सबसे वर्स्ट दिन हैज़ बिन 30th अप्रैल, पिछले 5 साल से. और ये कर्स चल रहा है, कर्स चल रहा है. और लास्ट टाइम मैंने ऐसा ही करा था, उसके बाद भी कुछ हुआ था. तो हाँ, आई गेट हिम. भाई कितने गंदे गलीच लोग हो तुम. मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई साहब कितना रिस्की है कि अगर उसका हाथ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो दूसरे इंसान की कितनी लग सकती है. और तुम भैंचोद, तुम गंदे लोग हो भाई, तुम सारे गंदे लोग हो. नहीं फिर भी पता नहीं क्यों तुमसे इतना प्यार करता हूं मैं, हद है. POV, इट्स योर बर्थडे. I think I should get a dog, man. मेरे को वो चाहिए यार, ग्रेट डेन चाहिए मेरे को, बड़ा. कि भाई स्टूडियो में, घर में मेरे जैसा एक और हो, कि मतलब ऐसे स्ट्रीम में चल के आया पीछे से बड़ा सा ग्रेट डेन, ऐसे शेर सा रखा है, क्या फन होगा भाई. सब कहते हैं मुझे बाहुबली को किसने मारा, मैंने मारा, मैं कटप्पा हूँ. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा मुझे पता है, मेरे सारे राज जानता था वो कुत्ता. उस कुत्ते को मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि मैं राजमाता से प्यार करता था. चलो इस वीडियो के लिए इतना ही है ना, ये लास्ट वाला देख के तो भाई और नहीं होगा मुझसे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें मजा आया होगा. अगर तुम्हें मजा आया, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. और अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. बाय बाय.